नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप दोस्तों सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरबीएल बैंक का वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आरबीएल बैंक ने ट्रेवलिंग वाले पर्सन्स के लिए निकाला है और आज के इस वीडियो में इसके सारे मेजर बेनिफिट्स और फीचर्स हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर फाइनली कंक्लूड करेंगे कि वाकई में 2024 में ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ट्रेवलिंग वाले पर्सन्स के लिए बेस्ट है कि नहीं है, और अगर ये बेस्ट नहीं है तो इसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या है, यानी कि अल्टरनेट कौन से क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में मैक्सिमम बेनिफिट्स देंगे। तो दोस्तों अगर आप एक अच्छा ट्रेवल क्रेडिट कार्ड चाहते हैं और अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं तो यहां पर ये वीडियो आपको जरूर एंड तक वॉच करना चाहिए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है आरबीएल वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड और सबसे पहले इसकी ज्वाइनिंग फीस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको ज्वाइनिंग फीस 3,000 रुपीज देनी होती है और यहाँ पर रिन्यूअल फीस भी इतनी ही है। अरे एज अ वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड में दोस्तों मेक माई ट्रिप का आपको ई वाउचर देखने को मिल जाता है जिसकी वर्थ अप टू 3,000 रुपीज तक रहती है, यानी कि जो ज्वाइनिंग फीस है वो टोटली यहाँ पर रिकवर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मेक माई ट्रिप ई वाउचर। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में हर जगह यहाँ पर इन्होंने स्पेशली हाईलाइट किया कि यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड की वजह से आपको 0 forex markup फीस मिलेगी। तो यानी कि इस क्रेडिट कार्ड में 0 forex markup फीस लगने वाली है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स पे। तो यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड की वजह से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे कोई भी आप पर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। बात करें यहाँ पर लॉन्च एक्सेस की, यानी कि ट्रेवलिंग वाले पर्सन को लॉन्च एक्सेस तो डेफिनेटली चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको क्वार्टरली बेसिस पे 2 मिलेंगे और इस हिसाब से पूरे साल भर में आप 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी आपको मिल जाता है, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे 2 और पूरे साल भर में आप 8 लॉन्च एक्सेस ले पाएंगे इंटरनेशनल वाले, और इंटरनेशनल वाले लॉन्च एक्सेस आपको मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी पास मेंबरशिप। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही यहाँ पर लॉन्च एक्सेस को लेने के लिए मिनिमम आपको क्वार्टरली बेसिस पे 50,000 रुपीज स्पेंड करने होंगे तभी ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। बात करें यहाँ पर ट्रेवल पॉइंट्स की, यानी कि रिवॉर्ड पॉइंट्स की, तो इस क्रेडिट कार्ड का कहना है कि आप कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, 100 रुपए का खर्चा भी करेंगे तो यहाँ पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। अगर आप स्पेसिफिकली ट्रेवल रिलेटेड एक्सपेंसेस करते हैं और 100 रुपए भी उसमें करते हैं खर्च तो यहाँ पर आपको अगेन 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड के से मिल जाते हैं। दोस्तों माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छे खासे माइलस्टोन बेनिफिट्स इस क्रेडिट कार्ड के से मिल जाते हैं, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड का कहना है कि अगर आप यहाँ पर पूरे साल भर में या फिर 6 महीने में या 4 महीने में यहाँ पर 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो तो यहाँ पर आपको एडिशनल 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मान लीजिए आपने 6 महीने में 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए और अगले 2 महीने में और 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए तो यहाँ पर अगेन आपको 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे एज अ माइलस्टोन बेनिफिट। इसके साथ ही अगर आप 5 लाख यानी कि 2.5 5 हो गए, इसके अलावा और आप 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर देते यानी कि 7.5 लाख रुपए पूरे साल भर में स्पेंड कर देते तो यहाँ पर आपको एडिशनल गिफ्ट कार्ड मिल जाते हैं जस्ट लाइक ताज, अमेजन, क्रोमा, मिंत्रा और मेक माई ट्रिप ब्रांड्स के। फ्यूल सरचार्ज फ्री ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि सभी क्रेडिट कार्ड देते हैं 1% फ्यूल सरचार्ज फ्री ऑफ मिलेगा। यहाँ पर मिनिमम आपको 500 और मैक्सिमम 4,000 रुपीज के बीच में यहाँ पर फ्यूल के लिए यूज करना है अमाउंट, और यहाँ पर आप 1% फ्यूल सरचार्ज फ्री ऑफ ले पाएंगे और मंथली बेसिस पे मैक्सिमम 250 रुपीज तक का फ्यूल सरचार्ज फ्यू ऑफ ले पाएंगे। तो यहाँ पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, उन्हें भी हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इसके रिन्यूअल फी वेवर का कोई भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, यानी कि आपको 3,000 रुपीज अगले साल देने ही होंगे। अगर आप 7.5 लाख रुपए भी स्पेंड कर दोगे तब भी यहाँ पर नेक्स्ट ईयर आपको 3,000 रुपीज रिन्यूअल फीस इस कार्ड के देने होंगे। और रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर कहीं भी इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 1 रुपीज मिलेगी या फिर कुछ मिलेगा। तो अलग अलग वेबसाइट पे जाके मैंने देखा तो यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 25 पैसे से 30 पैसे के बीच में वेरी करती है। तो यहाँ पर अगर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 30 पैसे या फिर 25 पैसे मिलेगी तो यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू काफी कम है। तो यहाँ पर फीस को देखा जाए तो यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपीज होनी चाहिए तब ये क्रेडिट कार्ड डिसेंट क्रेडिट कार्ड कहलाता है ट्रेवलिंग वाले पर्सन्स के लिए। और लॉन्च एक्सेस में दोस्तों यहाँ पर आपको 8 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस तो मिल रहे हैं पूरे साल भर में, डिसेंट है, लेकिन इससे ज्यादा भी यहाँ पर होते हैं तो काफी और बेनिफिशियल होता है। लेकिन इनको भी लेने के लिए हमें पूरे क्वार्टर में यहाँ पर यानी कि 3 महीने में यहाँ पर 50,000 रुपीज स्पेंड करने होंगे तभी आप इन सबका बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है 50,000 का, तो उसकी जगह यहाँ पर 20,000, 25 या फिर 15,000 हो तो ज्यादा बेटर होता।
प्लस इसमें कोई भी यहाँ पर एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक मूवी वाउचर्स या फिर बुक माई शो के ऑफर्स वगैरह कुछ भी हमें इस क्रेडिट कार्ड में नहीं देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो वेलकम बेनिफिट है उसमें तो ओनली एक मेक माई ट्रिप का 3,000 रुपीज तक का एक ई वाउचर मिलता है, उसके अलावा कोई भी यहाँ पर वेलकम बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। मतलब फीस को देखा जाए तो यहाँ पर उसके मुकाबले काफी अच्छे खासे और बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिल जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो नए नए क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर यू बैंक ने अभी रिसेंटली क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया इक्सिगो क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस ओनली यहाँ पर 999 यानी कि 1,000 रुपीज है, और इसमें भी आपको 0 फॉरेक्स फीस मिल जाती है। और यहाँ पर ट्रेवलिंग और यानी कि होटल बुकिंग हो गया, यहाँ पर फ्लाइट बुकिंग, इन सब पे आपको 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी काफी डीसेंट है इस क्रेडिट कार्ड में, तो यहाँ पर 1,000 रुपीज में काफी डिसेंट बेनिफिट दूसरे क्रेडिट कार्ड्स मिल रहे हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड को कोई क्यों लेगा। और अगर आप इक्सिगो ईयू क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड अभी लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है ट्रेवलिंग क्रेडिट कार्ड लेने का। इसका एक डिटेल से मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना है, इसकी डिटेल्स चेकआउट करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इजिली आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक अच्छा ट्रेवलिंग क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं डिसेंट प्राइस में, यानी कि 1,000 से 5,000 जो ज्वाइनिंग फीस है उसके अंदर, तो यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड कुछ मेंशन कर देता हूँ जो ट्रेवलिंग वाले पर्सन के लिए बहुत ही अच्छे खासे साबित होंगे, यानी कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स इन क्रेडिट कार्ड की तरफ से मिल जाएंगे, जिनमें कि फर्स्ट क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आ जाता है HDFC बैंक डिनर्स क्लब माइल्स क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस ओनली 1,000 रुपीज है और यहाँ पर काफी डिसेंट आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सेकेंड क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का विस्तारा क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस भी आपको 1,000 रुपीज ही पे करनी होगी। थर्ड यहाँ पर आ जाता है ICICI बैंक का सफायरो क्रेडिट कार्ड। इसकी फीस यहाँ पर 3,000 रुपीज है, जिसकी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको डिटेल सारी चेकआउट करनी है तो उस वीडियो को आप वॉच आउट कर सकते हैं। फोर्थ क्रेडिट कार्ड यहाँ पर SBI का एलीट क्रेडिट कार्ड आ जाता है, जिसकी ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर 5,000 रुपीज है, लेकिन जो बेनिफिट है वो भी आपको यहाँ पर तगड़े देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी क्रेडिट कार्ड के मैं वीडियो के लिंक एड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप इन्हें अप्लाई भी कर सकते हैं, उनके भी लिंक्स मैं ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, फिर भी कोई डाउट है क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।